तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय सनातन। लद्दाख ड्रीम राइड, मेरे और मेरे जैसे कई राइडर्स का ड्रीम रहता है लद्दाख जाना, वो भी सोलो अपनी बुलेट पे। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ड्रीम जो है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अभी लद्दाख में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है मई के महीने में, जो कि अनएक्सपेक्टेबल था। और मैंने यही सोच के मतलब मई का महीना चूज़ किया था मैंने, क्या कि मैं मई के महीने में वहाँ पर मौसम सही रहता है तो मैं लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, हर एक रूट पर जा सकूँ, जितना मेरा बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। और ये मेरे को इंस्पिरेशन मिली है हमारे अमित भाई से, जो कि इनका चैनल जो है काउंटिंग माइल्स, आई होप काउंटिंग माइल्स वाले अमित भैया जो आप देख रहे हैं, तो दादा कैमन आशो, तो भाई उनसे ही मेरे को इंस्पिरेशन मिली है लद्दाख जाने की। और काफ़ी मैंने इतनी मेहनत की थी उसके लिए और मैंने इतने पैसे जोड़े थे उसके लिए, मैंने इनफैक्ट अपनी बुलेट भी मतलब बहुत मुश्किलों से मैंने यार 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके मैंने अपनी बुलेट ली है, तो वो भी सिर्फ लद्दाख जाने के लिए। बट मैं वो ड्रीम पूरा करूँगा, अभी पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो ड्रीम ज़रूर पूरा होगा जब वहाँ पर मौसम सही हो जाएगा। बट अभी के लिए मैंने एक लॉन्ग राइड प्रेफर की है जो कि लद्दाख से भी काफ़ी दूर है। लद्दाख की अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ से 1000 किलोमीटर पड़ता है, बट अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो उस राइड का नाम है गाइस जोधपुर टू आसाम राइड, और वहाँ पे मैं क्रॉस करूँगा 4 स्टेट, राजस्थान, यूपी, बिहार एंड फाइनली मैं बंगाल में घुसूँगा, और वहाँ से मेरा सफ़र जो शुरू होगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा का सफ़र होगा। तो ये बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला गाइस, आप लोगों का पूरा प्रॉपर सपोर्ट चाहिए मुझे, और क्या क्या सामान मैं लेके जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। लद्दाख का ड्रीम मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज से 2 महीने 3 महीने बाद मैं लद्दाख ज़रूर करूँगा। तो लद्दाख मेरा ड्रीम है तो उसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद ही सही। पर अभी चलते हैं सामान की तरफ, जो सामान मैं लेने जा रहा हूँ, ये जो सामान मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वही सामान है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे जो राइड का है एक मोटिव है, एक प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को सफल करने के लिए और जगह जगह पे मैसेज पहुँचाने के लिए कि ये मेरा मैसेज है, तो उसको देखने के लिए कि मेरा मैसेज क्या है वीडियो पर एंड तक बने रहना, और मेरी जो ये पूरी सीरीज़ आने वाली है आसाम राइड की, तो उसको भाई बहुत सारा प्यार देना। और आसाम से जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, जो भी आसाम से देख रहा है, तो भाई पूरा सपोर्ट देना अपने भाई को। राजस्थान से पहला बंदा आ रहा है अपना आसाम की तरफ, तो आसाम वालों का पूरा प्यार चाहिए मुझे। जॉय आई अहम, तो भाई जिनको पता नहीं है जॉय आई अहम क्या होता है, तो ये बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि जय महाराष्ट्र, जय जोधपुर, जय राजस्थान, तो उसके लिए उन्हीं की तरह से जय आसाम। तो ठीक है भाई, आसाम आ रहा हूँ तो आसाम वालों को पूरा प्यार चाहिए। फाइनली बढ़ते हैं सामान की तरफ, जो सामान मैं कैरी कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो गाइज ये है मेरा एल्बो गार्ड और लेग गार्ड, तो ये वाला एल्बो गार्ड है और ये वाला लेग गार्ड है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं यार, तो भाई ये है अपना लेग गार्ड और ये है अपना जो हैंड में अपन पहनते हैं वो वाला, है ना, और ये अपने ग्लव्स हो गए हैं, ये अपना सन प्रोटेक्टर जो अपन स्लीव्स में पहनेंगे, और ये मेरे राइडिंग शूज़, ठीक है। राइडिंग शूज़ है लॉन्ग इसलिए क्योंकि बुलेट में क्या होता है कि काफ़ी देर तक चलाने से गर्माहट आती है और उसको बचाने के लिए, और ये अपने पास कुछ बंजी कॉर्ड्स वगैरह हैं जो मैं सामान बांधने के लिए यूज़ में लेने वाला हूँ। ये वाला हेलमेट बहुत महंगा है, मैंने भाई मतलब मैंने खुद ने ऐसा लास्ट, मेरे को नहीं याद है कि मैंने ऐसा महंगा हेलमेट कभी खरीदा हो, मैंने हद से हद आज तक 700-800 के हेलमेट खरीदे, बट दिस वन इज़ टू कॉस्टली यार। और इसकी पैडिंग अगर आप देखेंगे तो पैडिंग वगैरह प्रॉपर है, गोप्रो यहाँ पे मेरा गोप्रो लग जाएगा, और यहाँ से इसका माइक का वायर वगैरह ये रिमूवेबल है, वॉशेबल है, सब कुछ कर सकते हैं आप। प्लस इसके साथ इसके अंदर ये ब्लैक कांच भी दिया हुआ है, तो सनग्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इसीलिए कॉस्टली। और भाई ISI mark का है तो ये रख देते हैं अपन, ठीक है। मैंने खाने के लिए कुछ मैगीज़ वगैरह ले ली है, थाली ले ली है, ग्लूकॉन-डी ले लिया मैंने, नाइफ ले लिया, ये मेरा बैग है जो मेरी बुलेट के पीछे लगेगा। और कैमरा इक्विपमेंट की बात करूँ तो गाइज ये इसके अंदर मेरा DSLR पड़ा है जो कि मैं जिससे वीडियोज वगैरह शूट करूँगा। बाइक के लिए मेरे पास GoPro रहेगा, और 360 वीडियोस के लिए मैं 360 वीडियो जो बनाऊँगा उसके लिए मैं 360 कैमरा कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। और रही बात इसकी, तो गाइज ये है VR बॉक्स, अगर मैं पहाड़ों पर बैठूँगा और 360 कैमरे से मैं रिकॉर्ड करूँगा तो इसके अंदर मैं पूरा पहाड़ों का व्यू मैं देख सकता हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं VR बॉक्स कैरी कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन है मेरी जो कि नॉर्मल गैस की मेडिसिन है, इनो ले लिया मैंने, ये वॉलिनी है अपना, ये अपना लिप गार्ड वगैरह इनो, और ये पेट दर्द अगर बाई चांस हो जाता है तो उसके लिए ये अपना पुदीन हरा पड़ा है मेरे पास। गॉगल्स मैंने ले लिए, वॉच ले लिए मैंने, ये वाला जो बैग है साइड बैग जिसमें अपन कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे, ये अपना फेस मास्क हो गया,
ठीक है गाइज। और रही बात इसकी, तो ये वही कार्ड है गाइज जो मैं अपनी बुलेट के पीछे लगाऊंगा। इसको मैंने स्लेट के पीछे लगा लिया ताकि ये मजबूत रहे। और मैसेज, जिसकी मैसेज की मैं बात कर रहा था, वो मैसेज आप देख सकते हैं, जोधपुर से आसाम जा रहा हूँ मैं। और राइड फॉर सेविंग एन एनवायरमेंट एंड चैनल का नेम मेरा लिखा हुआ वासुवन ट्रिप। और जो मैसेज है वो आप देख सकते हैं, सेव एंड प्लांट मोर ट्रीज, सेव एनिमल्स, प्रमोटिंग नेशनल टूरिज्म। तो गाइज सेव एंड प्लांट का मतलब ये हो गया कि भाई आजकल मई के महीने में जो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मई के महीने में, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो चुका है काफ़ी हद तक पॉल्यूशन की वजह से। तो उसको अपन को, हाँ उसको अपन कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसको किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन राइड कीजिए, साइकिल राइड कीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई तू बुलेट में क्यों जा रहा है, तो भाई बुलेट में इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी बुलेट नहीं है, अभी पॉल्यूशन नहीं देती है वो बिल्कुल, ठीक है ना। जिनकी पुरानी हो चुकी है उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा मैनेज। और पेड़ को कटने से बचाओ, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और यहाँ से मैं जोधपुर से आसाम जा रहा हूँ, तो ये एक नेशनल टूरिज्म को प्रमोट करेगा। लोग मालदीव जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो भाई अपना इंडिया इतना बड़ा है और आप इंडिया भाई बहुत कम पैसे में घूम सकते हो। इनफैक्ट कई कई लोग तो पैदल भी निकल जाते हैं, साइकिल भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया घूमो, सबसे पहले इंडिया को एक्सप्लोर करो, अपनी इंडिया को जानो, उसके बाद इंडिया से बाहर जाओ। तो भाई उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने एक बेडशीट भी ले ली है, ठीक है, वॉलेट लिया है, वॉलेट के अंदर मेरे ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन, ये मेरा चार्जर हो गया, और कैमरे का चार्जर भी मैंने ले लिया। बाकी जो चीज़ें हैं मैं अपनी बाइक को भी आपको दिखाऊंगा पूरी, जो मैंने बाइक किस तरह से रेडी करी है वो बाइक मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे मैंने कैरियर लगाया है, आगे मेरे क्या यूट्यूब स्टिकर्स हैं, ठीक है। और हाँ रही बात इसकी गाई, तो ये है अपना स्टिकर, जो मतलब मैं जिस भी जगह पे जाऊंगा तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे लगाऊँ, और कोई किसी को चाहिए तो भाई वो लेके जाए। मैं आज का दिन हूँ घर पे, ठीक है, तो मैं कल निकल जाऊँगा और जो भी रास्ते मिलेगा। ये भी कार्ड है, जैसे रास्ते में आपको पूछते हैं ना भाई कौन सा चैनल है, तो उसको मैं ये कार्ड पकड़ा दूंगा, तो उसमें कार्ड में प्रॉपरली मेरा चैनल का नेम वगैरह, इंस्टाग्राम ID वगैरह सब लिखी हुई है। ये तो बुलेट में लगी जाएगा, आपको पता है। पेन एंड डायरी मैं कैरी कर रहा हूँ ताकि पेन एंड डायरी में जितने भी एक्सपेंस हो सकते हैं मैं वो लिखूंगा, पेट्रोल कितना लगा, कौन सी जगह पर गया मैं, क्या क्या लगा, वो सब का सब मैं लिखूंगा। तो ये था अपना सारा टूर, मेरा सामान का जितना भी है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी बाइक में मेरे को कुछ करवाना है, वो जो मोबाइल होल्डर है जिसमें मैं नेविगेशन देखूंगा, तो वो वहाँ पे चलते हैं अभी। और कुछ रेनकोट वगैरह लेना है मेरे को, है ना, तो वो वहाँ पे चलते हैं। तो फिर मिलते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहना, पूरा देखना, आसाम राइड को ज़रूर सपोर्ट करना। तो फाइनली भाई लोग, अभी अपन का ये जो होल्डर है मोबाइल होल्डर वो लग चुका है, और मेरी गाड़ी की आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड बहुत मस्त लग रही है। और ये भी मैंने फाइनली ये लगवा लिया है, तो इसका भी अपन को रास्ते में मैं आपको बताऊंगा, इसमें सामान वगैरह लोड करने के लिए ये मैंने परमानेंटली जो है वो इसको वेल्ड करवा लिया, ताकि ये अपने को रास्ते में दुख नहीं दे, क्योंकि 2000 किलोमीटर चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोबाइल होल्डर काफ़ी अच्छा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये मोबाइल को जैसे आप होल्ड करेंगे इसमें परमानेंट फिट हो जाएगा, मेटल का है, बहुत अच्छा है। एलन की भी साथ में आई है इसके, तो अपन रास्ते में अगर कुछ अपन को लूज़ वगैरह लगे तो अपन यहाँ से इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो गाइस अभी अपन लोगों ने ये रेनकोट वगैरह जो है वो भी ले लिया है, लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और अभी घर जाएंगे, सारी वीडियो वगैरह बनाएंगे, तो आप लोगों को भी मैं बताऊँगा जो आसाम राइड की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए लद्दाख राइड का बहुत सपना था, बहुत ज़्यादा सपना था, बट यार अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया, मुझे भी काफ़ी दुख है। पर इतनी मैंने हाइप बनाई थी उसके लिए, मेरे को थोड़ा दुख भी लग रहा है कि लद्दाख राइड की इतनी हाइप बनाई थी मैंने, बट अभी वहाँ पे बर्फबारी इतनी हो रही है गाइस, और वन वे रूट हो रहा है कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो इसलिए अभी अपन लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि हम लोग राजस्थान से आसाम जाएंगे और फुल एडवेंचर करने वाले हैं। दोस्तों अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, और दोपहर को मैंने आपको मेरी आसाम राइड के लिए जो सारा सामान दिखाया था वो पड़ा ही है। और अभी फ़िलहाल मैं स्टिकर काट रहा हूँ यार, जो मेरे को रास्ते में बांटने हैं, आप लोग देख सकते हैं ये वासुवन ट्रिप के मैंने स्टिकर्स निकाले हैं, और ये कुछ कार्ड्स हैं, अभी तक मैं इतने काट चुका हूँ, जो रास्ते में मिलेंगे तो मैं उनको देने वाला हूँ। ये तो कर रहा हूँ यार मैं भी बहुत कुछ मेहनत, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अब ज़रूर से सपोर्ट करना, और जो लोग मुझे रास्ते में मिलेंगे, ये स्टिकर्स हैं और ये विजिटिंग कार्ड टाइप कुछ है मतलब, तो ये मैं कट करके अभी मैं ले जाने वाला हूँ साथ में। तो बस सबसे यही सब रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करना अपने भाई को, और मिलते हैं आसाम राइड में।